वेलकम टू माय चैनल अजीत आर्ट एकेडमी। आज हम आपको दिखाएंगे सरकंडी की कलम कैसे बनाएं और कैसे लिखें। 30-35 साल पहले सरकंडी की कलम से लिखा जाता था, सरकंडी की कलम से लेख कैसे सुधारें। पुराने ज़माने में लोग बहुत अच्छा राइटिंग लिखते थे। हमारे पिताजी का भी राइटिंग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था, एकदम जैसे ऐसा लगता था जैसे टाइप किया हुआ हो। तो उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि कलम को कैसे बनाएं और कैसे लिखें। उसके बाद फिर अब हम आपको आप लोगों को सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी और मुझे गर्व होगा। तो ये हमारे गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर ये सरकंडे हम एकत्र करके लाए हैं और उसके बाद इनको हमने छील कर साफ किया। साफ करने के बाद हमने तरह तरह की कलमें बनाई हैं और इन कलमों के द्वारा आप लोग अपना राइटिंग सुधारेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप बेस्ट राइटिंग कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पहले सरकंडे की कलम से अभ्यास करें और उसके बाद जो 2 रुपए की या 5 रुपए की जो स्केच आती है उसकी नोक निकाल कर आप एग्ज़ाम में उसे हेडिंग डालकर और सुंदर लेख कर सकते हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया होगा कि लकड़ी को पहले कैसे छीलेंगे और छीलने के बाद उसकी नोक को धार निकालेंगे। ज़्यादा धार नहीं निकालेंगे, उसकी नोक थोड़ी सी काटेंगे। काटने के बाद तब लिखने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा तो उसमें आपको सुविधा होगी, हमारे तरह तरह के वीडियो देख सकोगे। हमने कुछ वीडियो ड्राइंग के भी बनाए हैं जिसमें हमने कई प्रकार की चित्र बनाए हैं, उनको आप देख सकते हैं और सीखने का प्रयास भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी वीडियो हमने अभी बनाए नहीं है, लेकिन आप बनाने का प्रयास करेंगे और छोटे बच्चे भी सीख सकेंगे। तो सरकंडे की कलम आपकी बन रही है। इसमें कई प्रकार की कलमें बनाते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इसी तरह से नंबर को बढ़ा सकते हैं मोटाई के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से। हमने ये अक्षर लिखे हैं, आप देख सकते हैं अक्षर को किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से लिखेंगे। छोटे बच्चों को अपने घर में ऐसे करके सिखा सकते हैं। सरकंडे की कलम से इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी खर्च नहीं है, विदाउट खर्च आपका राइटिंग सुधर जाएगा और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो पहले तो मेहनत करनी होगी, सरकंडे की कलम बनाओ और इसे इस तरह से लिख सकते हो। हमारी इंक प्रिंटर वाली इंक है इसलिए कुछ अच्छा नहीं, पेज छन रहा है, पेज छन जाता है और बार बार डिप करनी पड़ती है। एक चीज़ बार बार डिप करने से बचना पड़ेगा, इसको इंक में कुछ देर तक डुबो कर रखें। जब कुछ देर तक डुबो कर रखोगे तो इंक कलम के अंदर सोख ली जाएगी और उसके बाद बार बार डिप करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हाँ, डिप तो करना पड़ेगा, डिप करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा एक एक अक्षर, दो दो अक्षर तो बन जाया करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपने फॉन्ट को सुधार सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि राइटिंग को कैसे सुधारा जाए और हमने कुछ ऑनलाइन बॉक्स भी मंगाए हैं, यदि आप उनको मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये बॉक्स लगभग 350 रुपये का है, 350 रुपये का बॉक्स है। इसमें कई प्रकार की निब हैं और उसको पहले सरकंडी की कलम से राइटिंग सुधार सकते हैं, उसके बाद फिर इसको मंगा के इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो इनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसी तरह से आप मंगा सकते हैं अगर उससे मंगाना चाहते हैं, नहीं तो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे
ये पेन मिल जाते हैं। थोड़े महंगे पड़ेंगे लेकिन राइटिंग अच्छा करना है तो महंगा क्या और क्या सस्ता। तो इस तरह से आप अपना राइटिंग सुधार सकते हैं। बेस्ट राइटिंग करने का बस यही तरीका है कि सबसे पहले सरगंड की कलम बनाएं और उसे इंक लेकर इंक से लिखें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, डेली सुबह को अभ्यास करें और अभ्यास करने के बाद तब आपका राइटिंग अच्छा हो जाएगा। ये आपके जो देख रहे हैं ये नोक निब, ये निब को हमने थोड़ा सा ठीक किया है, घिसा है पत्थर पर घिस के और इसकी नोक हमने इस तरह से बनाई है। इसी तरह से आप भी काम कर सकते हैं और घिसने के बाद तब ये इस प्रकार का लिखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि विद्या अभ्यास से ही आती है, तो यदि आप राइटिंग सुधारना चाहते हैं तो थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। विद्या अभ्यास है न वर्धते, इस संस्कृत की सूक्ति में भी यही कहा गया है कि आप अभ्यास करें, अभ्यास करें, बस केवल अभ्यास करें और इस तरह से आप लेख सुधार सकते हैं। कुछ पेन हमने ऑनलाइन मंगाए हैं लेकिन उनकी कीमत तो काफ़ी अधिक है, इतना खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको वो पेन दिखा देंगे और उनके द्वारा लिखे गए वीडियोस हम बनाएंगे और उनको हम फिर अपलोड करेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि राइटिंग किस प्रकार का है और अपना भी राइटिंग सुधारने के लिए क्या उपाय करें, तो उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं और हम आपको बता देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करवाएं। श्राप, ये पुराने समय का आ है, आप लिखा हुआ है। श्राप अलग तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, तो ये पुराने समय का आ लिखा है आ। संयम वाला सा देखो हमने कितने डिजाइन में बनाया है, छाता वाला छा देखो कितने डिजाइन में बनाया है, तीन तरह से बनाया है। इसी तरह से आप अपना लेख सुधार सकते हैं और लेख अच्छा कर सकते हैं और लेख अच्छा करने पर आप अपने व्यक्तित्व को भी सुधार सकते हैं, आपका व्यक्तित्व झलकने लगेगा। तो राइटिंग अच्छा होता है, सबके सामने प्रस्तुत करते हो अच्छा लेख तो लोग खुश होते हैं, अरे वाह क्या सुंदर राइटिंग है। तो इससे आपके व्यक्तित्व झलकता है, आपके व्यक्तित्व में निखार आता है, ठीक है, इस तरह से काम कर सकते हैं। अन्नदाता, महानता की कहानी, महानता की कहानी। आप महान तभी बन सकते हैं जब कुछ करेंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। प्रयोगशाला, वायु प्रयोगशाला। भौतिक, अक्षरों को ध्यान से देखें और कैसे बनाएंगे, इस तरह से लिखने का प्रयास करें। हमने कलम को कैसे पकड़ा है उस तरह से। एक बॉक्स हमने और मंगाया है, ये बॉक्स आपका 70 रुपीज़ का आया है ऑनलाइन। इसमें कई प्रकार की निब हैं। और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। Yeah.